स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको आर्मी अफसर बैठे हुए दिख रहे हैं। किन किन देशों के ये आर्मी अफसर है? एक तरफ रूस के हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हैं। कब की है ये तस्वीर? ये तस्वीर इसी साल जुलाई महीने की है। आखिरकार पाकिस्तान और रूस में क्या चल रहा है? इस बीच स्पुतनिक की एक खबर आती है, जिस खबर में ये कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान रूस का यूएवी इस्तेमाल कर रहा है। जानेंगे आखिर क्या है सच, क्या रूस ने यूएवी दिया है, और दिया है तो फिर क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहा है? आखिरकार पाकिस्तान और रूस में कौन सी खिचड़ी पक रही है? तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से भारत एक नया निर्णय ले रहा है। चाइना की कमजोरी भारत को पता चल चुकी है, क्या इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर न बनाकर भारत दूसरी बड़ी चीज बना रहा है, और वो है न्यूक्लियर सबमरीन। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। आखिरकार कौन सी कमजोरी है चाइना की? हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में ऑकुस गठबंधन के साथी खड़े हैं, मतलब कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ऑकुस का गठन जब अमेरिका ने किया तो अमेरिका को चाइना की एक बड़ी ही कमजोर कड़ी पता चल गई, और इसी कमजोर कड़ी का फायदा उठाने के लिए इन्होंने ऑकुस बनाया। हालांकि भारत को ऑकुस में शामिल नहीं किया गया। भारत को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये भारत को उस भरोसे के लेवल पर नहीं देखते हैं जहां अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सके। सच सबसे बड़ा यही है, इसलिए अमेरिका ने इस गठबंधन में भारत को शामिल नहीं किया। फिर जापान को शामिल करने की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि नहीं जी, उसको शामिल मत करो, तो जापान भी इसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन ऑकुस को कौन सी कमजोर कड़ी है चाइना की जो पता चल गई है? वैसे आपको बता दूं, चाइना की नेवी को कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है, और चाइना अपने नेवी को लगातार शक्तिशाली बनाता जा रहा है। चाइना के पास अगर सिर्फ पनडुब्बियों की बात करें तो वो पनडुब्बी ही करीब करीब 70 की संख्या में है, और आपको बता दूं इनमें से 7 हैं परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां SSBN, 12 हैं परमाणु हमलावर पनडुब्बियां SSN, और 50 से ज्यादा है डीजल हमलावर पनडुब्बियां SSK। अगर भारत की बात करें ना, एक तो भारत में ज्यादातर पनडुब्बियां जो खरीदी गई हैं वो 1980 के दशक में खरीदा गया है, वो पुराने हो चुके हैं। वहीं भारत के एक्सपर्ट क्या मानते हैं? भारत के एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत को इस वक्त कम से कम 6 SSN चाहिए। भारत ने बहुत देरी कर दी है। अगर हिंद महासागर में अपने भविष्य को सुरक्षित करना है तो कम से कम हमें 6 पनडुब्बियां चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ये काफी महंगे होते हैं, हम एक झटके में 6 के 6 नहीं ला सकते हैं, पर SSN एक गेम चेंजर है। आखिरकार वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? ऐसा कहने के पीछे ये है कि परमाणु पनडुब्बी है एक तो, और समंदर के अंदर काफी देर तक रह सकती है। लेकिन इससे क्या होगा? अगर हम 6 SSN खरीद भी लेते हैं तो चाइना के पास 12 SSN है, तो चाइना तो फिर भी हावी होगा ना। तो यहाँ जो कमजोर कड़ी है चाइना की वो ये है कि ये पनडुब्बी तो इनके पास है, लेकिन पनडुब्बियों को काउंटर करना ये चाइना को पता नहीं है, और न ही ये क्षमता उनके पास अच्छे तरीके से डेवलप। एक्सपर्ट इस चीज को मानते हैं कि चीन के पास पनडुब्बियों को काउंटर करने की क्षमता नहीं है, इसलिए अगर SSN भारत भी बना लेता है, जिस तरीके से ऑकुस अभी पूरा ध्यान रखे लगाए हुए है पनडुब्बी बनाने में, तो भारत को भी यहाँ पर बढ़त मिलेगी। अब भारत सरकार ने यहाँ फैसला लिया है, और इस फैसले के तहत भारत 2 परमाणु पनडुब्बी बनाएगा। फिलहाल लगता है जैसे कि 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की चीज अभी पीछे रोक दी गई है, परमाणु पनडुब्बी बनाएगा। लेकिन इसका क्या मतलब है? आज सोच लिया तो क्या कल मिल जाएगा? नहीं, 10 से 15 साल लगेंगे अभी भी भारत को परमाणु पनडुब्बी बनाकर अपनी सेना में शामिल करने में। खैर, ये चीजें काफी पहले से प्लान करनी होती है। जब आपके पड़ोसी तैयार हो रहे हैं उस समय कम से कम देख कर भी सीखा जाता है, लेकिन भारत ने काफी देर करी है। अब जाकर भारत जागा है और अब चीजों को बना रहा है, तो वक्त तो लगेगा ही। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और इस खबर ने
कई सारे लोगों के बीच में अफरा तफरी ला दिया है कि आखिरकार रूस ऐसा कैसे कर सकता है, क्या ये सच है कि नहीं सच है। भारत और रूस के बीच में ना बहुत बढ़िया दोस्ती रही है, साझेदारी रही है, सब कुछ अच्छा रहा है, लेकिन कई बार रूस को ये करते हुए देखा गया है कि रूस को कोई हथियार अगर भारत को बेचना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये चीज देखने को मिला है पहले भी, पुराने इतिहास में भी। और जब भारत किसी चीज के लिए गुस्साता है, फिर भारत कहता है कि नहीं जी आप ऐसा मत करो, हमारी दोस्ती वगैरह, तो फिर उस चीज को ड्रॉप कर दिया जाता है, और ड्रॉप करने के बाद भारत उस हथियार को खरीदता है। ऐसा इतिहास में देखा गया है कई बार। इन दिनों ना रूस और पाकिस्तान के बीच में नजदीकियां थोड़ी सी बढ़ रही हैं। स्क्रीन पर जो आपने ये तस्वीर देखी, ये तस्वीर कब की है, ये जुलाई महीने की है। रूस में ही एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक तरफ पाकिस्तान के डिफेंस के लोग थे, दूसरी तरफ रूस के डिफेंस के लोग थे। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं आप। जिस मीटिंग में बात हुई थी कि हम आपस में व्यापार बढ़ाएं, मल्टीपल डोमेन में हम ट्रेड करें, हम एनर्जी सिक्योरिटी इन सब चीजों में आपस में व्यापार करें, और हम एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिलेशनशिप बनाएं। हालांकि रूस और पाकिस्तान का क्या मिलिट्री रिलेशनशिप, अगर इतिहास याद करें तो अफगानिस्तान से सोवियत संघ को बाहर खदेड़ने में पाकिस्तान ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, एक बड़ा दर्द भी दिया था। पर चूंकि समय के साथ जियोपॉलिटिक्स बदलता है, ऐसे में रूस भी बैठके कर रहा है, और ये 2018 में, 2017 में भी हुए थे, 2019 में भी हुए थे। ये बैठके क्यों कर रहा है, क्योंकि रूस को इस वक्त चाहिए पैसे, और पैसे के लिए रूस को अपना व्यापार बढ़ाना है। जिस तरीके से चारों तरफ से पाबंदियां लगा दी गई हैं, उसके बाद रूस के पास ऑप्शंस बहुत कम बच गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान को डर नहीं लग रहा है? किस चीज का डर? कि अमेरिका उनके इस रिश्ते से खुश नहीं होगा? पाकिस्तान आज की डेट में अगर दो चार एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो कई बार देखने को मिल रहा है कि अमेरिका को सीधे सीधे जवाब दे रहा है। रूस के साथ चलिए एक चीज देखने को मिल रहा है कि एलएनजी का ये व्यापार करना चाहते हैं और एलएनजी के लिए ये बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जो आर्टिकल ये कह रही है कि ब्रिक्स एसईओ इसको देखते हुए रूस, चाइना और पाकिस्तान अब धीरे धीरे एक साथ आ रहे हैं। वैसे ऐसा हो भी रहा है तो ये चाइना की वजह से संभव है। और अभी जो चर्चा है वो स्पुतनिक इंडिया ने एक वीडियो शेयर किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये एक ड्रोन है जो रूस खूब इस्तेमाल करता है। इसके दो वर्जन है, एक वर्जन है कामिकाजी यानी कि जिसमें कि विस्फोट वगैरह हो सकते हैं, और एक है सर्विलांस के लिए। इनका कैमरा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी तस्वीरें भी लेता है। कहा जा रहा है इस आर्टिकल के अनुसार कि इन्होंने पाकिस्तान को भी बेचा है, पाकिस्तान ने भी इनसे इस कैमरे को, इस यूएवी को खरीदा है, और इसके जरिए भारत से लगती सीमाओं पर निगरानी करता है। S-250 मिनी यूएवी है जिसका नाम है सुपर कैम S-250, जिसे खरीदा है। इसके अलावे बेलारूस, कजाकिस्तान ने भी खरीदा है। स्पुतनिक इंडिया ने इसे शेयर करते हुए इसमें यही लिखा है कि रूसी मीडिया ये बात कह रही है। अब ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन काफी ज्यादा बिक भी रहा है, और इसके लिए 5 महीने के अंदर रूस ने 30,000 वर्ग मीटर में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करी है। अब आगे रूस का क्या मकसद है, इस कंपनी का क्या मकसद है? फिलहाल के लिए इन्होंने कथित तौर पर ये सुपर कैम यूएवी बेचा है पाकिस्तान को। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।